नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल आमला थाना क्षेत्र के ग्राम सजावड़ में मृतक संतोष बिंझाड़े की हत्या की घटनास्थल का कल बैतूल पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमाला प्रसाद के द्वारा किया गया निरीक्षण। आरोपी की तत्काल पतारसी करने के दिए गए निर्देश। मुल्ताई SDOP सुश्री नम्रता सोंदिया भी रही उपस्थित। परिजनों से भी की मुलाकात। बैतूल कल वैष्णवी अस्पताल में पहुंचे SDM तहसीलदार और CMHO स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रिकॉर्ड खंगाले। वैष्णवी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोतीवाड़ में हीरे की अंगूठी एवं अन्य कीमती सामान चुराने और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से माल मशरू का किया बरामद। बैतूल माझीनगर इलाके में एक युवक के द्वारा शराब पीकर की जा रही थी गाली गलौज। शराब पीने वाले और गाली गलौज करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने धारा 151 के अंतर्गत की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। क्या बैतूल जिले के अंदर किसी भी तहसील की कोई प्रॉपर्टी जैसे खेत मकान या दुकान को आप बेचना चाहते हैं तो हम दिखाएंगे अपने चैनल पर आपकी एडवर्टाइज। नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। बैतूल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अंशकालीन श्रमिक मजदूर संघ के सदस्यों ने वेतन बढ़ाने की करी मांग। इस संबंध में कल बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को सौंपा ज्ञापन। बैतूल सोयाबीन की फसल का सर्वे करवाकर फसल की बीमा राशि दिलाए जाने की गई मांग। इस संबंध में कल कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने बैतूल के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस को सौंपा ज्ञापन। बैतूल खेड़ली में रास्ते को लेकर एक युवक ने दंपत्ति के साथ किया वाद विवाद। वाद विवाद के बाद हुई मारपीट। दंपत्ति ने शिकायत कराई दर्ज। मामला हुआ दर्ज तो अब होगी जांच। मुल्ताई महावीर वार्ड के लोगों ने पट्टे सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कल बुधवार को वार्ड पार्षद वंदना नितेश साहू के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर मुल्ताई SDM राजनंदिनी शर्मा से लगाई गुहार। पार्षद ने दी जानकारी। बताया वार्ड के लोग करीब 3 सालों से पट्टे के लिए भटक रहे हैं। मुल्ताई घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलना भी हुआ अब खतरों से भरा। मुल्ताई में कुत्तों का कहर। घर से कचरा फेंकने बाहर निकले एक बुजुर्ग को कुत्तों ने हमला करके किया घायल। गुरुसाब वार्ड निवासी है बुजुर्ग। घटना के बाद मुल्ताई के अस्पताल में जारी है इलाज। आप भी सीखना चाहते हैं? यदि आत्मरक्षा सिखाना चाहते हैं अपने बेटे और बेटियों को जूडो कराटे तो आज ही नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। मुल्ताई गांधी चौक पर हो रही रामलीला में कल सुर्पनखा की नाक कटने को लेकर जमकर उमड़ी भीड़। मुल्ताई के रामलीला के वरिष्ठ कलाकार श्री बालकिशन जी चंदेल के द्वारा जीवंत अभिनय को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे मुल्ताई वासी। मुल्ताई गांधी चौक में आयोजित रामलीला में सुर्पनखा ने जमकर किया फिल्मी गानों पर डांस। दर्शकों का मोहा मन। डहुआ की रामलीला मंडली भी पहुंची मुल्ताई। मुल्ताई दर्दनाक हादसा। कामत में रेलवे पुलिया के पास रेलवे ट्रैक पर आज सुबह मिली एक लाश। भाजपा युवा नेता सतीश ठाकरे के रूप में हुई शिनाख्त। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को बंधाया ढांढस।
घोड़ा डोंगरी रानीपुर जोड़ पर कल यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। करीब 30 वाहन चालकों पर यातायात नियमों के पालन नहीं करने को लेकर की गई चालानी कार्यवाही, वसूल किया गया जुर्माना। शाहपुर आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद मुआवजे सहित अन्य समस्याओं को लेकर कल किसानों ने भाजपा के नेतृत्व में शाहपुर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में नजर आए किसान। घोड़ाडोंगरी रेलवे की जमीन पर लोगों द्वारा जमकर किया गया है अतिक्रमण। रेलवे द्वारा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की प्रारंभ कर दी गई है कार्यवाही। अधिकारियों द्वारा कल इस संबंध में किया गया निरीक्षण। घोड़ाडोंगरी बादलपुर गांव में चोपना पुलिस और ब्लू गैंग की महिलाओं ने अवैध रूप से शराब बनाने के ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। महुआ लहान सहित शराब बनाने की सामग्रियों को किया नष्ट। भैंसदई तहसील क्षेत्र में पूर्णामाई मेले की व्यवस्था को लेकर कल जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा की गई चर्चा। पूर्णामाई मेले की व्यवस्था सही तरह से कराए जाने को लेकर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई। चिचोली अशासकीय विद्यालय संघ ने दो सूत्री मांगों को लेकर कल मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरटीई सहित फीस प्रतिपूर्ति को लेकर अशासकीय विद्यालय संघ के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया आवेदन। आठनेर भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जमकर मनाया जा रहा है जश्न। कल बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को दी बधाई। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।